स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या गिवन है। एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 है। द फर्स्ट क्वेश्चन इज हियर इन द मैट्रिक्स ए टू, द मैट्रिक्स इज गिवन हियर दैट इज 2 5 19 -7 35 -2 5/2 12 √3 1 -5 17। पहले इसका हम ऑर्डर लिख लेते हैं। ऑर्डर देखो मैट्रिक्स का क्या होगा हमारे पास। देखो बच्चे यहाँ पे रो कितनी है, देखो ये आर वन हो गई, ये आर टू हो गया, ये आर थ्री हो गया। मतलब रोज जो टोटल रोज हैं, रोज कितनी है हमारे पास है, रोज की वैल्यू कितनी है वो है 3। और यहाँ पे कॉलम्स कितने हैं बच्चे, देखो ये के कॉलम है, एक ये है, ये के, ये के, चार कॉलम है। तो हम यहाँ पे बोल देंगे कॉलम, कॉलम्स, कॉलम्स कितने हो गए हमारे पास, चार कॉलम हो गए। फर्स्ट पार्ट करें ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स बताइए बेरी जी। ऑर्डर के लिए क्या करते हैं, पहले रो इंटू मैट्रिक्स का हम क्या करते हैं, रो इंटू कॉलम्स, रोज इंटू कॉलम्स। तो देखो रो कितने थे, 3 3 × 4, फर्स्ट आंसर आ गया। सेकेंड पार्ट कहें द नंबर ऑफ एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स देख लेते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो बच्चे जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स होते हैं वो इनके रो और कॉलम के मल्टीप्लीकेशन के इक्वल होते हैं, तो 3 4 12 हो गए। थर्ड पार्ट कह रहे हैं कि बताइए A13 की वैल्यू बताइए, लेट सी हाउ टू डू। जब बात करते हैं A13, देखना ध्यान से, ये कह रहे हैं A13 की वैल्यू बताइए। तो फर्स्ट रो में थर्ड कॉलम देखेंगे, फर्स्ट इसका A13 का मतलब क्या है, A13 का मैंने मतलब क्या बताया, ये रो देखेंगे और इधर क्या देखते हैं, कॉलम देखते हैं। तो फर्स्ट रो ये है हमारे पास, कॉलम थर्ड, थर्ड कॉलम में कौन सा नंबर हमको मिल रहा है, 19 मिल रहा है। तो A13 की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 19 आ गई। करें A21 बताओ, तो देखो सेकेंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम में क्या मिल गया हमको, 35 मिल गया, दिस इज योर आंसर। फिर कह रहे हैं थर्ड पार्ट, कह रहे हैं बताइए A33, मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, ये मिल जाएगा माइनस का 5। A33 की वैल्यू जो है वो कितनी हो गई, माइनस का 5 हो गया। तो आई होप ऑल ऑफ यू कैन सॉल्व दीज टू पार्ट्स। चलिए मूव टू नेक्स्ट पार्ट। तो चलिए हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ अ मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर्स इट कैन हैव, व्हाट इफ इट हैज 13 एलिमेंट्स। ओके नो इशू। देखिए बच्चे हमारे पास 24 एलिमेंट्स हैं, तो सबसे पहले 24 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 24 के फैक्टर्स हमारे पास क्या पॉसिबल है, ये 12 हो गया, ये 6 हो गया, 2 3 6 3 1 3, इस तरीके से। तो मैट्रिक्स हैज 24 एलिमेंट्स, तो 24 एलिमेंट्स अगर इसके हैं एलिमेंट्स, तो इसका ऑर्डर क्या हो सकता है, ऑर्डर देखना। फर्स्ट पार्ट इसका ऑर्डर हो सकता है 2 by 12 का, देखना 2 ये हमारे पास हो गया, और ये जो वैल्यू है 3 2 6 2 12, 2 by 12 भी हो सकता है, 12 by 2 भी हो सकता है, ये 3 by 4 भी हो सकता है, 4 by 3 भी हो सकता है, ठीक है, सॉरी टू से 3 by 8 भी हो सकता है और 8 by 3 भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें 24 है तो 6 by 4 भी हो सकता है, 4 by 6 भी हो सकता है। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, देखिए 2 12 into 2 24 होता है, ये 24 into 1 भी हो सकता है और 1 into 24 भी हो सकता है, ठीक है। और कोई कंडीशन इसकी पॉसिबल है, देखो 2 2 12 2 24 हो गया, 3 2 6 6 4 24 4 6 24, तो इतना हमारे पास कितने ऑर्डर पॉसिबल हैं, 2 2 4 2 6 2 8 ऑर्डर इसके पॉसिबल हैं। अगला पार्ट कह रहा है 13 एलिमेंट्स, तो 13 इज अ प्राइम नंबर, तो प्राइम नंबर के फैक्टर्स कौन कौन से हैं, 13 into 1 हो सकता है या फिर 1 into 13, इसकी दो पॉसिबिलिटी हैं, या तो 13 into 1 होगा या फिर 1 into 13 होगा। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। इस क्वेश्चन में क्या गिवन, इफ अ मैट्रिक्स हैज 18 एलिमेंट्स व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर इट कैन हैव। तो सेम क्वेश्चन है, 18 एलिमेंट्स हैं, 18 के फैक्टर कर लो सबसे पहले। 18 को हम लोग किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 into 3 2 3 6 6 3 18, इस तरीके से। तो फर्स्ट जो ऑर्डर इसका हो सकता है, अगर एलिमेंट्स 18 हैं तो ऑर्डर कौन कौन से हो सकते हैं, पहला ऑर्डर हो सकता है 18 into 1 और 1 into 18, दूसरा ऑर्डर हो सकता है हमारे पास 2 into 9 और 9 into 2, तीसरा ऑर्डर हमारे पास क्या हो सकता है 6 into 3 और 3 into 6, तो ये हमारे पास इसके ऑर्डर पॉसिबल हैं। और इसके अलावा क्या ऑर्डर हो सकता है, और कोई भी ऑर्डर पॉसिबल नहीं है। सेम चीज 5 के लिए हो रहा है, 5 के फैक्टर्स नहीं होते हैं हमारे पास कोई भी प्राइम नंबर, तो 5 into 1 हो सकता है और 1 into 5, दो कंडीशन पॉसिबल है। चलिए मूव टू द नेक्स्ट पार्ट। तो अब हमारे पास क्या गिवन है, कंस्ट्रक्ट अ 2 by 2 मैट्रिक्स A = AIJ हुज एलिमेंट्स आर गिवन बाय। ओके वेरी इजी क्वेश्चन, लेट्स सी हाउ टू डू। सबसे पहले हमको 2 by 2 की मैट्रिक्स निकालनी है, तो हम इस तरीके से लिखेंगे A = A11 A12 A21 A22, इस तरीके से। तो बच्चे सबसे पहले समझो AIJ का फॉर्मूला क्या गिवन है,
फॉर्मूला हमारे पास गिवन है आई प्लस जे होल स्क्वायर बाई टू, आई द फर्स्ट वैल्यू जे द सेकेंड वैल्यू। पहले ए वन वन की बात करो तो आई के प्लेस में भी वन पुट कर देंगे, जे के प्लेस में भी वन पुट कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे अपॉन में टू। तो वन प्लस वन टू होता है, टू का स्क्वायर फोर होता है, फोर बाय टू हुआ, ये कैंसिल हो गया, टू आ गया। इसी तरीके से ए वन टू फाइंड करेंगे, आई के प्लेस पे वन पुट करेंगे, जे के प्लेस पे टू पुट करेंगे अपॉन, ये इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अपॉन में कितना चल रहा है बच्चे, अपॉन में टू ही रहेगा। तो वन प्लस टू थ्री होता है, थ्री का स्क्वायर नाइन होता है, नाइन बाई टू आ गया। अब हम बात करते हैं ए टू वन की, तो ए टू वन की बात करते हैं, तो आई के प्लेस पे टू पुट करेंगे और जे के प्लेस पे वन पुट करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, अपॉन में कितना लिखेंगे, टू लिखेंगे। टू प्लस वन कितना हो गया, थ्री, थ्री का स्क्वायर नाइन हो गया, नाइन बाई टू आ गया। इसी तरीके से ए टू टू निकालेंगे तो टू प्लस पुट करेंगे, प्लस टू का होल स्क्वायर अपॉन टू फिर से हो गया। टू प्लस टू फोर होता है, फोर का स्क्वायर सिक्सटीन, सिक्सटीन अपॉन टू हो गया कितना, एट आ गया। हमने वैल्यू फाइंड कर ली ए वन वन, ए वन टू, ए टू वन, ए टू टू, ये मैट्रिक्स में अपने पुट कर देंगे। तो हमारा आंसर क्या आएगा, हमारा आंसर इस तरीके से आएगा, टू आएगा, नाइन बाई टू आएगा, फिर आएगा नाइन बाई टू और फिर आएगा एट। दिस इज योर आंसर। सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। सिमिलरली यू कैन सॉल्व द सेकेंड वन एंड द थर्ड वन ऑल्सो। Okay, children, try to do these questions. If you are unable to do it, then just drop your message. I will solve it. Let's move to the next part. Next question, let's see. Now, what are you saying? That construct a 3 by 4 matrix. Okay, construct a 3 by 4 matrix. Let's do it. There is no problem. 3 by 4 matrix means that the order will be in it. Row 3 will be in it. How many columns will be in it? 4 will be in it. So, solve the first part. Second part, you will do it. We have the matrix let a equal to. So, what is it? Row is saying that 3 is. So, how do you say A11? ए वन टू, ए वन थ्री, ठीक है भैया, और ए वन फोर। रो थ्री वो हैं तो ए टू वन, ए टू टू, ए टू थ्री, ए टू फोर, ए थ्री वन, ए थ्री टू, ए थ्री थ्री, ए थ्री फोर, इस तरीके से। तो इसका ऑर्डर क्या हो गया, इसका ऑर्डर हो गया थ्री बाई फोर का ऑर्डर हो गया। पूछो क्यों, क्योंकि इसमें रो थ्री है और कॉलम इसमें कितने हैं, फोर हैं। ये रो वन, रो टू, रो थ्री, कॉलम वन, कॉलम टू, कॉलम थ्री, कॉलम फोर। ओके, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग। तो चलिए सॉल्व करते हैं अपना क्वेश्चन कैसे करना है। तो हमारे पास फॉर्मूला जो गिवन है, क्या गिवन है, ए आई जे, ए आई जे इक्वल टू वन बाई टू गिवन है, मॉड गिवन है माइनस थ्री आई और प्लस जे गिवन है। बच्चे मॉड के बारे में आप लोग जानकारी जानते हैं, इस चीज़ के मॉड के बारे में कि मॉड का मतलब क्या होता है, जो भी वैल्यू लेंगे वो हमेशा कैसी रहेगी, पॉजिटिव रहेगी। ठीक है, तो लेट्स सी हाउ टू डू। ये हमने लिख दिया ए इक्वल टू, इस तरीके से अपनी मैट्रिक्स शुरू करते हैं। सबसे पहले बच्चे देखो यहाँ पे वन वन है, वन वन पुट करेंगे तो देखना ए वन वन की वैल्यू कितनी आएगी। जब बेटा वन वन पुट करोगे देखना वन बाई टू, ए वन वन इक्वल टू वन बाई टू हो गया, मॉड माइनस थ्री इंटू वन प्लस वन, तो वन बाई टू एज इट इज, माइनस थ्री होता है माइनस थ्री इंटू वन, माइनस थ्री प्लस वन बिकम माइनस टू, टू से टू कैंसिल आ गया वन, तो पहला आंसर आ गया वन। इसी तरीके से ए वन टू निकालेंगे तो वन बाई टू एज इट इज, फिर से वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो माइनस थ्री इंटू वन प्लस टू, तो माइनस थ्री वन जा थ्री, थ्री में टू ऐड करोगे माइनस वन आएगा, तो मॉड है वन बाई टू हो जाएगा। तो ये वन टू कितना हो गया बच्चे, वन टू की वैल्यू आ गई वन बाई टू, इस तरीके से। अब इसी तरीके से हम फाइंड करेंगे, क्या फाइंड करते हैं यहाँ पे, हम फाइंड करेंगे टू वन। ठीक है, लेट्स सी हाउ टू डू, हम फाइंड करते हैं टू वन। हाँ चलिए, ए वन वन, ए वन टू हो गया, ए वन थ्री फाइंड कर लो। ए वन थ्री की वैल्यू कैसे निकालोगे, वन बाई टू हो गया ये, माइनस थ्री इंटू वन, प्लस कितना आ गया हमारे पास, थ्री आ गया, तो ये हो जाएगा थ्री माइनस थ्री जीरो आ गया, ये वैल्यू जीरो हो गई, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, जीरो आ गई। नेक्स्ट पार्ट ए हम फाइंड करेंगे, ए वन फोर फाइंड करेंगे, वन बाई टू एज इट इज, माइनस थ्री इंटू वन प्लस फोर हो गया, फोर माइनस थ्री वन होता है बच्चे, वन बाई टू आ जाएगा, ये भी पॉजिटिव, वन बाई टू आ गया। ठीक है, ये हमारे फर्स्ट, हमारी फर्स्ट रो आ गई। इसी तरीके से हम लोग सेकेंड रो निकालते हैं, लेट्स सी हाउ टू डू द सेकेंड रो, हाउ टू फाइंड द सेकेंड रो। इट्स नॉट अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, लेट मी टेल यू, या दिस द मॉड इज हियर। सो ए टू वन निकाल लो पहले, ए टू वन की वैल्यू वन बाई टू हो गया ये हमारे पास, मॉड माइनस थ्री इंटू टू प्लस वन, माइनस थ्री टू जस्ट सिक्स, माइनस सिक्स, माइनस सिक्स प्लस वन, माइनस फाइव बाई टू, तो इसको बोलेंगे फाइव बाई टू। ऐसे ए टू टू निकालो तो वन बाई टू एज इट इज, माइनस थ्री इंटू टू प्लस टू, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस थ्री टू जस्ट सिक्स, माइनस सिक्स में टू ऐड करोगे माइनस का फोर, फोर बाई टू हो जाएगा ये, फोर बाई टू हो गया, आ गया वन बाई, फोर बाई टू का मतलब टू आ गया। तो ये हमारे पास क्या आया था पहले, आया था फाइव बाई टू, इस तरीके से। फिर हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास टू आ गया। अब इसी तरीके से हम यहाँ पे फाइंड करेंगे टू थ्री, टू थ्री का मतलब वन बाई टू आ गया,
और माइनस थ्री इंटू टू प्लस थ्री, ठीक है। तो माइनस थ्री टू जा सिक्स, माइनस थ्री प्लस थ्री बिकम थ्री, ये आंसर आ गया 3/2। और अब हम फाइंड करते हैं नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ सेकेंड सेकेंड चिल्ड्रन, ओके फाइन। सो अब हम फाइंड करेंगे, ए टू थ्री ने फाइंड कर लिया, ए टू फोर फाइंड करते हैं। ए टू फोर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/2 एज इट इज, माइनस थ्री इंटू अगेन एट द प्लेस ऑफ आई विल बी टू एंड हियर फोर, माइनस थ्री टू जा सिक्स, माइनस सिक्स प्लस फोर बिकम माइनस टू, टू बाई टू, टू बाई टू बिकम वन, ये हमारे पास आंसर आ गया वन यहाँ पे, ठीक है बच्चे। चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट फाइंड करते हैं इसी का। अब हम क्या फाइंड करेंगे बच्चे, अब हम फाइंड करेंगे ए थ्री वन, थ्री वन कैसे फाइंड करें देखना। अगेन ए आई जे इक्वल टू क्या गिवन है, माइनस थ्री आई प्लस जे, मॉड लगाया अपॉन में टू लिखा है। तो चलिए थ्री वन की वैल्यू निकालते हैं, थ्री वन की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस वन, मॉड में टू है, तो माइनस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस का नाइन प्लस वन एट हो जाएगा, एट बाई टू मीन्स फोर। ए थ्री टू निकालेंगे, थ्री टू की वैल्यू क्या होगी, माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस टू हो गया बच्चे, अपॉन मॉड में टू चला, माइनस थ्री थ्री जा नाइन, नाइन माइनस टू सेवन, ये हो जाएगा सेवन बाई टू, तो ये आ गया फोर, ये आ गया सेवन बाई टू। नेक्स्ट पार्ट करते हैं थ्री बाई थ्री, थ्री बाई थ्री कैसे निकलेगा देखना, ए थ्री थ्री कैसे निकलेगा, यहाँ पे पुट कर देते हैं, माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस थ्री बाई टू, तो थ्री थ्री या नाइन, नाइन माइनस थ्री, माइनस का सिक्स हुआ, माइनस सिक्स बाई टू, ये हो गया थ्री, लेकिन मॉड लगाए तो प्लस का थ्री। अगेन हम फाइंड करेंगे ए थ्री फोर, ए थ्री फोर की वैल्यू क्या होगी बच्चे, माइनस थ्री इंटू थ्री प्लस फोर और मॉड में टू, दन तो थ्री थ्री या नाइन होता, माइनस नाइन प्लस फोर फाइव, फाइव बाई टू आ गया, दिस इज द 5/2। सो दिस इज योर आंसर, आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। तो सिमिलरली आप सेकेंड पार्ट भी सॉल्व कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्या गिवन है यहाँ पे, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग इक्वेशंस, वेरी इजी क्वेश्चन है बच्चे, लेट मी टेल यू हाउ टू डू। पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं कैसे करेंगे, कंपेयर कर देते हैं मैट्रिक्स का। तो देखो यहाँ पे क्या गिवन है, दिस इज द फोर, दिस इज द थ्री, दिस इज द एक्स, दिस इज द फाइव इज इक्वल टू, दिस इज द वाई, दिस इज द जेड, दिस इज द वन, दिस इज द फाइव, ओके। नाउ आई एम गोइंग टू कंपेयर इट, एंड व्हेन आई विल कंपेयर, सी फोर दिस पार्ट will be equal to this one, okay, are you getting my point, this part will be equal to this one, and after this if I talk about another part, this part will be equal to this one, and the last one this part will be equal to this one. So how to compare, 4, 4 is equal to y, 3 is equal to z, x इज इक्वल टू वन और फाइव इज इक्वल टू फाइव। तो सिमिलरली हमको एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी थी, x इज इक्वल टू वन आ गया, y इज इक्वल टू फोर आ गया और z इज इक्वल टू थ्री आ गया, ठीक है। तो कितना सिंपल क्वेश्चन था, वेरी सिंपल क्वेश्चन था ना ये। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्या गिवन है बच्चे, सेकेंड क्वेश्चन, सेकेंड क्वेश्चन में गिवन था x प्लस वाई और ये टू गिवन है, फाइव प्लस जेड, ये एक्स वाई गिवन है, इस किसके इक्वल है, सिक्स टू फाइव और एट के इक्वल है। कंपेयर करेंगे x प्लस वाई किसके इक्वल हो गया, सिक्स के इक्वल हो गया, ठीक है, और ये हो गया फाइव प्लस जेड जो था वो फाइव के इक्वल हो गया। तो यहां से जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा, फाइव माइनस फाइव, देखो फाइव प्लस जेड ये फाइव के इक्वल हुआ इसके इक्वल, तो जेड इक्वल टू फाइव माइनस फाइव कितना आ गया, जीरो आ गया, ठीक है। तो x प्लस वाई सिक्स के इक्वल है और एक्स वाई किसके इक्वल है, एक्स वाई इक्वल है एट के। अब यहाँ पे देखो x प्लस वाई सिक्स है और एक्स वाई एट है, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि हम कैसे वैल्यू फाइंड करें, क्योंकि भाई हमको देखो x प्लस वाई की वैल्यू पता है, एक्स वाई की वैल्यू पता है, हमको वैल्यू किसकी निकालनी है, हमको वैल्यू फाइंड करनी है x और y की, तो मेन प्रॉब्लम ये हो रही है। तो लेट्स सी हाउ टू डू, चलिए देखते हैं। x प्लस वाई इक्वल टू सिक्स था, एक्स वाई इक्वल टू एट था, यहाँ पे एक इक्वेशन बना सकते हैं हम लोग। यहाँ से y इक्वल टू अगर हम बोल दें, इसको बोल दें फर्स्ट, इसको बोल देते हैं सेकेंड, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, एट अपॉन एक्स आ जाएगा। इस वैल्यू को हम फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो आई एम गोइंग टू इरेज दिस वन एंड देन आई विल सॉल्व द फर्स्ट वन, सेकेंड वन, लेट्स सी हाउ टू डू। देखो बच्चे, हाँ तो देखिए हम यहाँ करते हैं सॉल्व। तो हमारे पास क्या गिवन है, x प्लस वाई की वैल्यू पुट कर देते हैं, एट अपॉन एक्स इक्वल टू सिक्स, एलसीएम ले लेंगे x, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू सिक्स, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एट इक्वल टू सिक्स एक्स, इसको ट्रांसफर करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो, एट वन जाए एट, इसके फैक्टर कर लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स प्लस टू एक्स प्लस एट इक्वल टू जीरो,
यहां से थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस फोर एक्स इनसाइड वन ब्रैकेट प्लस 2x minus 8 is equal to 0 inside other bracket. Take the common x, x minus 4. Take the common 2, it become x minus 4 is equal to 0. यहाँ से x minus 4 common ले लेंगे, हमारे पास बचेगा क्या, x plus 2 is equal to 0. यहाँ से x minus 4 जब 0 के equal है, तो x is equal to 4 हो गया. इसी तरीके से जब x plus 2 0 के equal था, तो x is equal to minus 2 आ गया. So, which value we will take here? अगर हम x की value 4 लेंगे, तो y की value कितनी आ जाएगी? 8 upon 4, y की value आ जाएगी 2. जब x होगा 4 तो y आ जाएगा 2, और जब x होगा माइनस 2 तो y आएगा माइनस का 4. ओके, सो ये वाला थर्ड पार्ट आप लोग अपने मन से करोगे, ठीक है? थर्ड पार्ट ट्राई करिएगा, अगर आप नहीं कर पाएंगे तो हम आपको इसको एक्सप्लेन करेंगे. ओके चिल्ड्रन, सो नाउ लेट्स सी अनदर पार्ट. आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू द अनदर पार्ट ऑफ द क्वेश्चन. तो इस पार्ट में बच्चे देखते हैं क्वेश्चन क्या है. यहाँ पे क्वेश्चन गिवन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी सी एंड डी फ्रॉम द इक्वेशन. वेरी इजी क्वेश्चन. चलिए कंपेयर करते हैं पहले. तो कंपेयर कैसे करूं, देखो a माइनस बी जो है वो माइनस वन के इक्वल है ना. तो हम यहाँ पे इस तरीके से लिखेंगे, देखो a माइनस बी जो था वो किसके इक्वल है, माइनस वन के इक्वल है. 2a प्लस सी जो है वो किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है. 2a माइनस बी जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है. और 3c प्लस डी जो है वो किसके इक्वल है, वो 13 के इक्वल है. तो फर्स्ट पार्ट, सेकेंड इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन. चलिए हम फर्स्ट और थर्ड को सॉल्व करते हैं. a माइनस बी इक्वल टू माइनस वन और 2a माइनस बी इक्वल टू जीरो पुट करते हैं. अगर दोनों को सेपरेट कर दें तो हो जाएगा a माइनस 2a इक्वल टू माइनस वन माइनस जीरो. तो ये हो जाएगा माइनस a इक्वल टू माइनस वन, माइनस से माइनस कैंसिल, a इक्वल टू वन. a की वैल्यू हमारे पास वन आ गई बच्चे, ठीक है. अब हम क्या करेंगे, a की वैल्यू को यहाँ पे पुट कर देते हैं फर्स्ट इक्वेशन में. तो देखना है b इक्वल टू क्या हो जाएगा, a प्लस वन. b इक्वल टू क्या हो जाएगा, b को इधर ट्रांसफर कर दो तो a प्लस वन हो जाएगा. तो b इक्वल टू वन प्लस वन हो गया, b की वैल्यू टू आ गई. अब हमको b की वैल्यू भी पता चल गई कि b की वैल्यू कितनी है, टू है. a और b की वैल्यू हमने फाइंड कर ली. अब हम वैल्यू किसकी फाइंड करेंगे, हम वैल्यू फाइंड करेंगे c की. तो फ्रॉम सेकेंड फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड क्या कर सकते हो, c किसके इक्वल है, c इक्वल है 5 माइनस 2a के. तो 5 माइनस 2 इंटू 1 हो गया बच्चे, c इक्वल टू 5 माइनस 2 हो गया बच्चे. c 5 माइनस 2 कितना होता है, 3 होता है. c की वैल्यू 3 आ गई. थर्ड पार्ट भी हमने सॉल्व कर लिया. अब हमारे पास d की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 माइनस 3c. तो 13 माइनस 3 इंटू c, c की वैल्यू कितनी थी, 3 थी. 13 माइनस 9 हुआ, तो 13 से 9 जाएगा, 4 बचेगा. तो हमको पता चल गया d की वैल्यू कितनी है, 4 है. दिस इज योर आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. या दिस इज अ वेरी गुड क्वेश्चन. कह रहे हैं कि a इक्वल टू आई जे, a इक्वल टू ए आई जे, ये गिवन है m क्रॉस n. तो दे आर सेइंग, व्हाट दे आर सेइंग, दे आर सेइंग कि इट इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. a इज अ स्क्वायर मैट्रिक्स. तो मैंने स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन बताई थी, अगर नंबर ऑफ रोज, इफ नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स. अगर नंबर ऑफ रोज जो है नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है बच्चे, तो हमारा मतलब क्या होगा, जो हमारी मैट्रिक्स होगी वो कैसी मैट्रिक्स होगी, स्क्वायर मैट्रिक्स होगी. ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस थिंग. नेक्स्ट पार्ट देखते हैं बच्चे हम अपना. इस पार्ट में देखो यहाँ पे क्या गिवेन है बच्चे, यहाँ पे गिवेन है या विच ऑफ द फॉलोइंग, विच ऑफ द गिवेन वैल्यू ऑफ एक्स वाई मेक द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिक्सेस इक्वल. ओके फाइन. तो यहाँ पर भी हमको x और y की वैल्यू फाइंड करनी है. तो लेट्स सी, ये गिवन है 3x plus 7 is equal to 0. Very easy question है बच्चे. 3x plus 7 अगर 0 के इक्वल है तो 3x is equal to minus 7 हो जाएगा, x is equal to minus 7 by 3 आ जाएगा, ठीक है बच्चे. ओके, तो x is equal to minus 7 by 3 आ गया. लेट्स सी, लेकिन x इक्वल टू माइनस सेवन बाई थ्री किसी भी आंसर में कहीं पर भी गिवन तुमको दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना. चलिए कोई दिक्कत नहीं, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं जरा. y प्लस वन, अगर y प्लस वन को हम 8 के इक्वल कर लें तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, y इक्वल टू आ जाएगा 8 माइनस वन, y इक्वल टू 7 हो जाएगा. तो देखो यहाँ पे समझो मेरी बात, समझो बच्चे यहाँ पे करना क्या है. यहाँ पर किसी भी पार्ट में हम देख पा रहे हैं, किसी भी पार्ट में ये कंडीशन नहीं सेटिस्फाइड हो रही है. जैसे y माइनस टू इक्वल टू फाइव है, तो यहाँ पे अगर हम ये वाली कंडीशन लगाएं, फाइव इक्वल टू ये वाली वैल्यू, दिस फाइव विल बी इक्वल टू y माइनस टू,
y माइनस टू हो गया बच्चे ये, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 प्लस 2 हो जाएगा, y इक्वल टू 7, y की वैल्यू तो 7 हमको मिल रही, करेक्ट है। लेकिन क्या x की वैल्यू, नेक्स्ट पार्ट देखते हैं, 2 माइनस 3x इक्वल टू 4, तो व्हाट आई कैन से, माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2, माइनस 3x इक्वल टू 4 माइनस 2 कितना होता है बच्चे, 2 होता है, x इक्वल टू आ गया माइनस का 2 बाई 3, ठीक है। तो ये देखो, समझो मेरी बात को, हमारे पास इतनी वैल्यू हमको मिल गई, विच ऑफ द गिवन वैल्यू x एंड y मेक्स द फॉलोइंग पेयर ऑफ मैट्रिसेस इक्वल। अब कह रहे हैं इसमें से कौन सी वैल्यू जो है बच्चे, व्हाट दे आर सेइंग विच ऑफ दिस वैल्यू मेक्स इट इक्वल, तो इक्वल यहाँ पे कौन सी वैल्यू हमारी करेगी, यहाँ पर जो हमारा आंसर आएगा वहां पे इक्वल वैल्यू कौन सी होगी हमारी, टेल मी। हम देख पा रहे हैं यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चे, कि हमारे पास कोई भी ऐसी वैल्यू हमको नहीं मिल रही बच्चे जो क्या करे, फिक्स वैल्यू हो, x की हमको फिक्स वैल्यू नहीं मिल रही। देखो फर्स्ट को जब सॉल्व करें तो x की वैल्यू माइनस 7 बाई 3 मिल रही है, सेकंड को सॉल्व करने पर माइनस 2 बाई 3 मिल रही है, तो इसका मतलब कोई भी वैल्यू नहीं पॉसिबल है इसमें, इसका मतलब हो जाएगा नॉट पॉसिबल टू फाइंड, क्योंकि x की वैल्यू फिक्स मिलनी चाहिए, एक वैल्यू सिंगल वैल्यू मिलनी चाहिए, ढेर सारी वैल्यूज नहीं मिलनी चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चे, द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 3 बाई 3 और विद ईच इंटीजीरो टू 1 इज। बच्चे इस क्वेश्चन को समझेंगे बच्चे, देखो इसमें क्या है बच्चे, जब कभी हम इस टाइप के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर हम एंट्री चेक कर लेते हैं, एंट्री में कितने पॉइंट गिवन है, 0 और 1, तो टोटल नंबर ऑफ नंबर कितने हो गए, नंबर 2 हो गए, और इसका ऑर्डर कितना है, ऑर्डर देख लेते हैं हम इसको, ऑर्डर इसका हो गया 3 3 9 भाई, 3 × 3 टोटल नंबर कितने हो जाएंगे 9, तो हमारे पास पॉसिबल जो पॉसिबल नंबर ऑफ मैट्रिक्सेस होंगे, ऑल पॉसिबल मैट्रिसेस, पॉसिबल जो मैट्रिसेस होंगे मैट्रिसेस वो कितने होंगे बच्चे, वो होंगे 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 को आप लोग जानते हैं 512 होता है। तो आई होप चिल्ड्रन ऑल ऑफ यू लाइक दिस वीडियो, इफ यू लाइक दिस वीडियो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय चैनल, थैंक यू सो मच।